नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव और मुद्दा जो है वो बुलडोजर जस्टिस का है, यानी बुलडोजर से न्याय का। और हमने देखा काफ़ी वक्त ये मामला चला, दिल्ली में भी बुलडोजर चला, जहांगीरपुरी में जहां पर हिंसा हुई थी रामनवमी के मौके पर। सुप्रीम कोर्ट में पिछले साल 2022 में ये मामला पहुँचा, सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर यानी तोड़फोड़ पर स्टे लगा दिया। कई राज्यों में, यूपी में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में इस तरह की मामले की शिकायतें आई और यहाँ पर पिटीशन आई। जमीयत उलेमाए हिंद सुप्रीम कोर्ट में आया, विंदा करात जो पूर्व सांसद हैं वो यहाँ पर आई और उन्होंने मांग की कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल दे। सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया था लेकिन मामले की सुनवाई पूरी नहीं हुई थी, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। यहाँ पर मांग जो जमीयत की है वो ये है कि जिस तरीके से बुलडोजर जस्टिस दिया जा रहा है, यानी आरोपी बनने पर, कोई आरोप लगने पर आरोपियों के घरों को गिरा दिया जाता है, एक तरह से उनके परिवारों को भी सजा दी जा रही है और ये सजा सिर्फ आरोप पर दी जा रही है, कन्विक्शन दोष सिद्धि नहीं होती है। जबकि भारत के कानून में कहा जाता है कि एक व्यक्ति जब तक निर्दोष है तब तक निर्दोष है जब तक कि उसे कानून की किसी अदालत द्वारा दोषी करार ना दिया जाए। तो यहाँ पर काफ़ी अहम मोड़ पर यह मामला पहुँचा है, 4 अक्टूबर को एक अहम सुनवाई होनी है। अभी जो सुनवाई मंगलवार को ही, उसमें जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने इस मामले की सुनवाई की है, 4 अक्टूबर के लिए इस मामले को रखा गया है। यहाँ पर जो याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए हैं दुष्यंत दवे, वरिष्ठ वकील हैं, उनका ये कहना है कि जो बुलडोजर की जो प्रथा चली है इस पर रोक लगनी चाहिए, कई राज्य इसे फॉलो कर रहे हैं और ये बिल्कुल गलत प्रथा है क्योंकि आप किसी के घर को इस तरह नहीं तोड़ सकते। आरोप सिद्ध नहीं हुए, दोष सिद्धि नहीं हुई, सजा नहीं हुई, उससे पहले ही सिर्फ आरोप पर बुलडोजर ले जाके आरोपी का घर तोड़ दिया जाता है, पूरे परिवार को सजा दे दी जाती है। यहाँ तक कि अदालत भी अगर किसी को दोषी करार देती है किसी गंभीर से गंभीर मामले में भी, तो भी उसके घर को तोड़ने का आदेश अदालत नहीं देती है, नहीं दे सकती है, कानून में ही प्रावधान नहीं है, ये बात रखी गई। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को दखल देने की जरूरत है ऐसे मामलों में और सुप्रीम कोर्ट को एक कानून तैयार करने की भी जरूरत है कि इस तरह के मामलों में जहां जो कोई अपराध का आरोप लगता है वहां पर इस तरीके से बुलडोजर से न्याय नहीं दिया जा सकता है, सरकारों को काबू में किया जाए, ये तमाम बातें कही गई। लेकिन सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता वो सरकार की तरफ से पक्ष रखने के लिए उपलब्ध नहीं थे, इसलिए मामले को टाल दिया गया। काफ़ी अहम है ऐसा मामला, बहुत सारी मामले यहाँ पर आए थे। सबसे पहले जहांगीरपुरी दिल्ली का मामला पिछले साल आया था, जब यहाँ बताया गया था कि किस तरीके से मुस्लिम समुदाय के लोगों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी तोड़फोड़ पर और नोटिस जारी कर दिया था। केंद्र सरकार की तरफ से, एमसीडी की तरफ से भी यहाँ पर बात रखी गई थी। तुषार मेहता कह रहे थे कि कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, ये सिर्फ अवैध निर्माण है जिनको तोड़ा जा रहा है। लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना था सिर्फ मुस्लिम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है और इस तरह का जो मामला है वो सिर्फ एक जगह का सीमित नहीं है, यहाँ पर कई राज्यों के खिलाफ भी यहाँ पर ये अर्जियाँ दाखिल हो गई की गई और सुप्रीम कोर्ट से निवेदन किया गया कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो एक ब्लैंकेट, एक सामान्य आदेश जारी करके ये नहीं कह सकता कि किसी भी तरह की तोड़फोड़ न की जाए, कहीं भी बुलडोजर नहीं चलेगा, स्पेसिफिक केस सामने आने चाहिए। लेकिन ये बड़ा सवाल था कि क्या किसी आरोपी के घर पर इस तरीके से बिना केस चले, बिना ट्रायल के, बिना सजा के उसका घर किस इस तरीके से तोड़ा जा सकता है। तो काफ़ी अहम है ऐसे मोड़ पर जब सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई कर रहा है और जो जमीयत है वो ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को ज़रूर कोई कानून जो है वो बनाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को इस मुद्दे पर दखल देना चाहिए, राज्यों को या सरकारों को इस तरह की मनमानी बुलडोजर के जरिए करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।